गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत 7 PHM में भी पंचायती राज चुनावों का दमखम देखने को मिल रहा है। 7 PHM ग्राम पंचायत में 5 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। ग्राम पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि शुद्ध पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नरेगा कार्यों के साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र के मतदाताओं को नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत 7 PHM में महिला प्रत्याशी शिक्षा देवी मैदान में है। इस ग्राम पंचायत में कुल 2475 मतदाता हैं। महिला प्रत्याशी शिक्षा देवी के द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की जा रही है। अपनी पंचायत के तहत टुडे 24 की टीम ग्राम पंचायत 7 PHM पहुंची, जहां पर मौजूद मतदाताओं व उम्मीदवार प्रतिनिधि से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र देलू ने। चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला के 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण के 10 अक्टूबर को होंगे। 31 ग्राम पंचायतों में 108 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही उम्मीदवारों की तस्वीरें भी साफ नजर आ रही है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी परवान पर चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कोविड-19 एक महामारी है, ये एक प्रशासन और एक उम्मीदवारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाना भी एक अनिवार्य हो गया है, ताकि इस कोविड-19 महामारी से भी बचा जाए। बता दें खाजूवाला उपखंड क्षेत्र की 7 किलोमीटर दूर 22 KYD से विभाजित हुई 2015 की यह ग्राम पंचायत 7 PHM आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे साथ यहाँ पे अनेक ग्रामीण भी आप देख सकते हैं। इस पंचायत में आज भी कई समस्याएं नजर आ रही है। बात करें तो शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या, सिंचित इलाका होने के साथ ही डाट कवरिंग एक बड़ी समस्या है। चिकित्सा व शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी कई समस्याएं यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे 2010 के अंदर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके प्रधान प्रतिनिधि लाजपत थोरी, हम इनसे जानना चाहते हैं। 7 किलोमीटर दूर यह उपखंड से पंचायत है, यहाँ आज भी कई मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है? खाजूवाला उपखंड मुख्यालय के नज़दीक ये ग्राम पंचायत होने के बाद भी पिछली जो योजना में जो यहाँ पे कार्य हुए उसमें पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, इनमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ। अब भी जो आगामी यहाँ सरपंच चुनाव हो रहे हैं, जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एक स्कूल था, जो उस स्कूल को काट कर इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। हिंदी मीडियम का एक ही स्कूल था, अब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत भारी समस्या है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। उसी तरह स्वच्छ पेयजल की भी बड़ी भारी समस्या है, स्वच्छ पेयजल डाणियों में नहीं मिल रहा। जो गांव है 7 PHM ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व आबादियाँ हैं उनमें भी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो अभी जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये स्कूल है इसको हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम का एक स्कूल और स्वीकृत हो। ऐसी और सड़कें हैं, जो सड़कों की बुरी हालत है, गांवों के जो कच्चे रास्ते हैं वहाँ पे खड़बंजे नहीं हैं, कहीं पे ग्रेवल नहीं है, जो रोड है वो भी टूटी हुई है, ये भी समस्या है। तो इसलिए हम सरपंच प्रत्याशी से ये उम्मीद करते हैं। आपने ग्राम पंचायत के तहत टुडे 24 की टीम 7 PHM में पहुंची। बात करें तो भूमि, आवासीय पट्टे और नरेगा में लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही है कहा आपने, नरेगा में भ्रष्टाचार है, बड़े व्यापक पैमाने पर नरेगा में भ्रष्टाचार है। और जो भूमि आवासीय पट्टे हैं उन आज तक की किसी भी सरपंच ने कोई भी पट्टे बनाने की यहाँ पे प्रयास भी नहीं किया। तो हम जो नए ये प्रत्याशी हैं इनसे हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोगों को पट्टों से नवाजा जाए, और जो भी यहाँ पर समस्याएँ हैं हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि ये इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से 7 PHM ग्राम पंचायत के अंदर जो कहीं ना कहीं आज ग्रामीणों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, सिंचित इलाका होने के साथ ही डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या है। आने वाले 10 अक्टूबर को चुनाव के अंदर उम्मीदवारों से ये उम्मीद की जा रही है ताकि इस क्षेत्र का सरकार की योजना इस गाँव में लगाई जाए, क्रियान्वित की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों को या मतदाताओं को विश्वास में दिलाकर वोट लेने की अपील भी मतदाताओं से की जा रही है ताकि क्षेत्र का विकास भी किया जा सके। इस समय हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में ब्रजेश खिचड़ जो मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं। कोविड-19 एक महामारी है, एक उम्मीदवार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, मतदाताओं से क्या अपील करते हैं ताकि इसे भी बचा जाए? मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि इसके अंदर मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस दूरी बनाए रखें। 7 PHM ग्राम पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बात करें तो शुद्ध पेयजल, डाट कवरिंग, भूमि आवासीय पट्टे, क्या
ये काम कितनी प्राथमिकता से आप करवा पाएंगे अगर 10 अक्टूबर को जनता आपको समर्थन देकर सरपंच बनाती है? अगर जनता समर्थन देगी तो जनता का भरोसा खराब नहीं करेंगे और अच्छा कार्य कराएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि बृजेश खिचड़ का कहना है कि जो भी समस्याएं नजर आ रही है उसको प्राथमिकता से हल करवाया जाएगा। हमारे साथ अन्य भी ग्रामीण हैं, इनसे जानना चाहते हैं। 7 PHM और 22 KVD एकल ग्राम पंचायत हुआ करती थी 2010 के अंदर, उस टाइम आप भी सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर हैं, आज क्या समस्या नजर आ रही है 7 PHM? 7 PHM में रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, समस्या ही समस्या है। आगे पहले पीछे किसी ने किया नहीं, 5 साल अब नहीं किया। रोड़ी निकाली थी वो बरसात से खराब हो गई, मरम्मत अब की नहीं है सरपंच ने, इसलिए दूसरा सरपंच हम। आपको किस तरीके का सरपंच चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके? नौजवान अच्छा सरपंच चाहिए जो दिन रात मेहनत करे, और विजेश में है वो मेहनत करेगा। बिल्कुल, मतदाताओं का कहना है कि बृजेश खिचड़ जो सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि के तौर पर मैदान में है, तो हमें इस तरीके का युवा सरपंच चाहिए ताकि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। 2D24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।